राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर अधिवक्ताओं ने राजस्थान में दलित छात्र इंद्र कुमार द्वारा पानी का मटका छूने पर पिटाई से मौत हो जाने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें भारी संख्या में अधिवक्ता व अन्य वर्ग के लोग भी शामिल हुए। राजस्थान में जो एक दलित बालक के साथ घटना घटित हुआ, पानी पीने को लेकर इतने अपराध था कि उसने मटका से पानी पिया था, और जो टीचर था मनुवाद से जातिवाद से ग्रसित था, और उसने उसको पनिशमेंट ऐसा दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह की घटना से पूरा देश उबल गया है। एससी एसटी अम्बेडकरवादी लोग, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, सारे लोगों में रोष व्याप्त है, और इस घटना की निंदा ऑल इंडिया स्तर पर हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो समाज में प्रोटेस्ट होगा, क्रांति लोग करेंगे, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई दबा नहीं पाएगा, और उस सरकार के खिलाफ जिस जिस स्टेट में इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। भारतीय संविधान में छुआछूत को मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया। बाबा साहब को आप जानते हैं, बाबा साहब ने संविधान लिखा था, और पूरे संविधान सभा ने ये माना था कि इस देश में जातिवाद और छुआछूत है। जातिवाद और छुआछूत को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, और उसके और इम्प्लीमेंट के लिए कि छुआछूत फिर ना हो, जातिवाद का बढ़ावा ना हो, उसके लिए सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, लेकिन वो एक्ट ज़्यादा प्रभावी नहीं था। इसके बाद भारतीय संसद में फिर ये आवाज़ उठा कि अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन इस भारत में कम नहीं हो रहा है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी जहाँ समाज तरक्की कर रहा है, वहाँ अभी भी इस देश में जातिवाद इतना ज़्यादा है, छुआछूत इतना ज़्यादा है, इतना गहराई से वो जड़ तक पहुँच चुका है कि लोगों के ब्लड से वो जड़